बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैदे की गर्मी या अजाफी दर्जा हरारत ज़्यादा तेज़ निज़ाम हाजमे का नतीजा होती हैं। इसे कंट्रोल करना भी ज़रूरी होता है, वरना सेहत के लिए पचीदा मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैदे की गर्मी के लिए सात ऐसी गजाएँ जिनको आप इस्तेमाल करके मैदे की गर्मी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो आप एंड तक लाजमी देखें। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नंबर वन, दही। दही मैदे में सेहत के लिए फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की मकदार बढ़ाने में मदद देने वाली गज़ा है, जिससे मैदे की गर्मी के खराज में मदद मिलती है, जबकि निज़ाम हाजमा और दीगर अफवाइल भी बेहतर हो जाती हैं। इसलिए दही का आप ज़रूर इस्तेमाल करें। नंबर टू, ठंडा दूध। दूध भी मैदे की दर्जा हरारत कम कर देता है, जबकि मैदे में तजाबियत को कम करने में मदद देता है। इसके सुकून पहुँचाने वाली खसूसियात मैदे की गर्मी से होने वाली है और गर्मी को दूर कर देती है। एक गिलास ठंडा दूध पीना इस मसले से निजात के लिए बड़ा मुफीद समझा जाता है। नंबर थ्री, उबले हुए चावल। मैदे में गर्मी की वैसे तो अक्सर अलामत सामने नहीं आती, ऐसा होने पर उबले हुए चावल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैदे को ठंडक पहुँचाते हैं और पानी की मकदार बढ़ा देते हैं। दही के साथ सादे उबले हुए चावल खाना भी मुफीद है। नंबर फोर, पुदीना। पुदीना भी मैदे की गर्मी दूर करने में मदद दे सकता है। इसकी वजह इसकी ठंडी तासीर है। एक कप पुदीने का पानी या चाय मैदे में अजाफी तजाबियत की सतह में भी कमी लाने के लिए काफ़ी है। नंबर फाइव, ज़्यादा पानी वाली गजाएं। सेब, आड़ू, तरबूज और खीरा वगैरह खाएं, जबकि खट्टी चीज़ों से दूर रहें, जो कि तजाबियत को बढ़ाकर मैदे की गर्मी में अजाफा कर देती हैं। नंबर सिक्स, ज़्यादा पानी पीना। ज़्यादा मकदार में पानी पीना फौरी तौर पर मैदे की गर्मी में कमी ला सकता है। पानी अजाफी गर्मी के नतीजे में पैदा होने वाले जहरीले असरात को कम करने में मदद देता है, जबकि निज़ाम हाजमे के लिए भी बेहतरीन है। नंबर सेवन, नारियल का पानी। नारियल का पानी मैदे में तजाबियत की सतह को मामूली में लाने में मदद देता है, जिससे मैदे की लाइनिंग को भी ठंडक मिलती है और हरारत के खराज में भी कमी आती है। तो नारियल का पानी आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ये थी वो सात गजाएं जिनको आप इस्तेमाल करके मैदे की गर्मी को दूर कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आपने इसे ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।